तो गाइज अभी जाने वाले हैं हम जानकी सेतु पुल, और आपको लेके चलते हैं जानकी सेतु पुल। ये वीडियो है, वीडियोस बताओ तो सही ना। आपको बताना है? बताओ ना कैसी आई। अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको। हेलो गाइज, वेलकम बैक मुक्की पहाड़ी वाला ब्लॉग। तो गाइज आज का जो ब्लॉग मैं शूट करने वाला हूँ आज ऋषिकेश से। तो आज हम ऋषिकेश में जो 5 टॉप टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे मैं आपको लेके जाने वाला हूँ आज। तो आज हम चलेंगे ऋषिकेश के 5 टॉप टूरिस्ट प्लेस पे। तो गाइज बने रहे हैं ब्लॉग के अंत तक। और सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आजकल जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं एक बार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैंने आप तक। अभी हम तपवन में हैं और इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं हम तपवन से, और बने रहे हैं ब्लॉग के अंदर, आपको दिखाते हैं 5 टॉप के टूरिस्ट प्लेस। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं लक्ष्मण झूला और अभी आपको दिखाएंगे लक्ष्मण झूला। गाइज हम पहुंच चुके हैं राम झूला और आप देख सकते हैं राम झूला, जो राम झूला के नाम से जाना जाता है। और जो मैं आज उत्तराखंड के ऋषिकेश के जो 5 टॉप टूरिस्ट प्लेस में आपको दिखाने वाला हूं, तो इसमें से एक राम झूला भी है। आप कभी भी ऋषिकेश आओगे तो राम झूला में जरूर आना, क्योंकि यहां पे आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। और गंगा भी देख सकते हो आप पीछे, मेरे पीछे जो गंगा है भी यहाँ पर पानी काफ़ी वैसा हो रहा है आजकल, हो रहा है कि मिट्टी पानी के साथ मिट्टी आ रही है बह के, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में काफ़ी बारिश हो रही है आजकल, तो इसलिए मिट्टी भी आ जाती है बह के। और अभी हम सामने जाएंगे और सामने भी
तो गाइज अभी मैं जिस लोकेशन में हूँ ये अभी देख सकते हो आप रामझूला, और वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी भीड़ है आज, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बाइक लाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और कुछ दिन पहले आया था तो इतनी भीड़ नहीं थी, तो आज काफ़ी भीड़ है। और इसके बाद हम दूसरी जगह जाएंगे, आपको लेके चलेंगे जो टॉप टूरिस्ट प्लेस है। अभी हम रामझूला हैं और उसके बाद हम चलेंगे आपको जानकी सेतुपुर। तो गाइज बने रहें ब्लॉग के अंत तक और ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखें। गाइज यार अभी चलते हैं हम फिर जानकी पुल की तरफ, और अभी देश का व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया, तो अब चलेंगे हम जानकी पुल। और जानकी पुल है लगभग यहाँ से होगा 2 या 3 किलोमीटर की दूरी से, तो चलते हैं हम फिर जानकी पुल और आपको दिखाते हैं आज टॉप टूरिस्ट प्लेस। तो ये रामझूला, और उससे पहले हम लक्ष्मण झूला गए हुए थे, और अब हम जाएंगे जानकी सेतु पुल जो ऋषिकेश के टॉप टूरिस्ट प्लेस है। तो इसके रामझूला के बाद जाएंगे हम जानकी सेतु पुल, और उसके बाद देखते हैं हम कहाँ आपको लेके चलते हैं। जो टॉप टूरिस्ट प्लेस होगा हम वहीं आपको लेके चलेंगे गाइज। तो ये आप सामने देख सकते हो जो ऊपर रोड जा रही है, पूरी तपोवन से जाती है आगे से होकर, और आगे देख रहे हो आप वो तपोवन है, और सामने का व्यू देख सकते हो आप सामने का नज़ारा देख सकते हो। तो काफ़ी भीड़ है आज पुल के ऊपर, और आने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी जैसे कि अब यहाँ पे श्राद्ध चल रहे हैं, तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो श्राद्ध चलते हैं, तो इस समय ऋषिकेश में काफ़ी लोग आते हैं, तो काफ़ी भीड़ है, इस वजह से आने में दिक्कत हो रही है। तो गाइज चलते हैं फिर हम जानकी सेतु पुल, बने रहे ब्लॉक के अंत तक। तो गाइज अभी जाने वाले हैं हम जानकी सेतु पुल, और आपको लेके चलते हैं जानकी सेतु पुल। घर से निकले थे हम सुबह 10:30 बजे, और टाइम हो चुका है 3 बज चुके हैं, और क्योंकि बारिश लग जाने के कारण हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, कुछ देर हमें रुकना पड़ा। तो अब हम ब्लॉग को पूरा शूट कर रहे हैं, तो चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं इधर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे खाना स्नान जो भी कर रहे हैं। और तो गाइस यार और इसके बाद हम जाएंगे जानकी सेतु पुल, तो बने रहे ब्लॉग के अंत तक, और आप भी मजे लें पूरे ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग ये टॉप जो टूरिस्ट प्लेस है रखी होगी सामने आप देख, और एप्पल टाइम को दे दो ले भाई, एप्पल खाओ ले भाई, डोंडू
सर। गाइज ये रहा जानकी सेतु पुल जहाँ पे मैं अभी आपको लेके आया हूँ और अभी है और राम झूला के बाद हम आए दूसरे जो टॉप टूरिस्ट प्लेस है तो ये है जानकी सेतु पुल। और यहाँ पे नीचे को देखो तो आप बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है और सामने भी बैठने के लिए गाइज और दिखाता मैं आपको आज जानकी सेतु का व्यू। तो जानकी सेतु का व्यू आप देख सकते हो सामने रहा जानकी सेतु की और गाइज अभी पानी बहुत तेज है यहाँ पे, पानी की धारा भी काफ़ी तेज है तो आप देख सकते हो। और अब चलेंगे हम सेतु के ऊपर जो कि सामने है। गर्मी काफ़ी हो रही है और यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी है आज। और इस ब्लॉक में जो आज का ऋषिकेश के जो टॉप टूरिस्ट प्लेस है तो उनमें से एक ये भी आता है जो है जानकी सेतु पुल। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है और आगे दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे कितना और कैसा है। तो देखते हैं फिर आगे चल के देखते हैं जो भी होगा। तो गाइस यार मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ अब, तो बने रहे ब्लॉक के अंत तक। तो गाइज यार आप देख सकते हो यहाँ पे पानी कितना तेज। तो गाइज मैंने जो फर्स्ट ब्लॉग अपना शूट किया था यहीं से किया था और आज से एक महीने पहले मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैंने यहीं से स्टार्ट की थी। और आज मेरा जो यहाँ पे दूसरा सेकंड ब्लॉग है, बट मैं उस दिन ब्लॉगिंग लेके नहीं आया था पूरी। हाँ जी आप देख सकते हो हाँ कुछ कह रहे हो आप, ये वीडियो है वीडियो दिखा दो। ये वीडियो है वीडियोस बताओ तो सही ना, आपको बताना है बताओ ना कैसी आई। अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको। अभी चलते हैं हम फिर अब पुल के ऊपर, ये सामने का व्यू देख सकते हो और अब चलेंगे हम पुल के ऊपर। तो गाइस पूरा सपोर्ट करें।
अरे बैठे ना मैं आगे बस इको मैं पहुँच रहे जो घूमो बैठे गाइज अभी पहुँच चुके हैं हम त्रिवेणी घाट जो आप ऋषिकेश का टॉप प्लेस है। तो अब आपको लेके आया हूँ मैं त्रिवेणी घाट, तो दिखाते हैं आपको त्रिवेणी घाट का नज़ारा। तो गाइज बने रहे ब्लॉग के अंत तक। मैं बस थोड़ा सा जा रहा हूँ, साइड रख देता हूँ। गाइज पहुंच चुका हूं त्रिवेणी घाट, इसी केस का टॉप टूरिस्ट प्लेस है। तो उसके बाद हम चलेंगे घर। तो ये लास्ट जगह बची है आज इस ब्लॉक में, और फिर आपको लेके चलता हूं मैं किसी दूसरे ब्लॉक में। तो आज का ये ब्लॉक यहीं तक, और आप देख सकते हो पीछे का नज़ारा। और अभी चलेंगे हम आगे को, तो दिखाते हैं फिर आगे का नज़ारा आपको। शाम का मौसम भी हो चुका है और अब हल्की हल्की सी शाम, और ये टूरिस्ट प्लेस है जो ये है त्रिवेणी घाट। तो आज यहाँ पे काफ़ी भीड़ है आज भी, और यहाँ पे कुछ चेंज सा लग रहा है मुझे, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी चेंज लग रहा है आज मेरे को। तो ये गंगा पूरी जो ऊपर से आती है, ये थकान। तो हम चले थे 10:30 बजे रूम से, और अब टाइम हो चुका है 6 बज चुके हैं शाम के। तो सुबह 10 बजे से लेके और आज शाम के 6 बज चुके हैं, तो पूरा काफ़ी टाइम हो चुका है सुबह से, और अब मेरे को काफ़ी थकान भी लग चुकी है। और अभी हम पहले लक्ष्मण झूला गए थे, फिर राम झूला गए थे, और राम झूला के बाद हम गए थे जानकी सेतु पुल, और उसके बाद हम आए यहाँ पे जो त्रिवेणी घाट है। तो बीच में 2-3 घंटे बारिश हो गई थी, तो इसके चक्कर में हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। और उसके बाद जब हमें टाइम मिला तो उसके बाद हम यहाँ पे आए और जानकी पुल गए, राम झूला गए। तो बीच में हम 2 घंटे ऐसे ही बैठे रहे कहीं पे। तो अब इस ब्लॉग को यहीं तक मैं शूट कर रहा हूँ। गाइज जो इस ब्लॉग में नए आ रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं तक शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब शाम हो चुकी है और मेरे को काफ़ी भूख लग चुकी है। तो अभी मैं चलता हूँ घर रूम पर। तो गाइज मिलता हूँ मैं आपको दूसरे ब्लॉग में। टेक केयर, बाय। पूरा सपोर्ट करें और ब्लॉग को पूरा देखें, और बताना ब्लॉग आपको कैसे चढ़ा दिया। जैसे कि आप सभी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो आज का ये ब्लॉग था, ये ब्लॉक ऋषिकेश के टॉप जो टूरिस्ट प्लेस है उसमें से एक प्लेस ये भी आता है जो है त्रिवेणी घाट नाम से जाना जाता है, और ये पड़ता है ऋषिकेश में। और
यहाँ पे काफ़ी कपल्स आते हैं, लोग गंगा आरती के लिए आते हैं, लोग कुछ अपना गंगा स्नान करने के लिए आते हैं और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और कुछ ना कुछ श्रद्धा लेके यहाँ पे लोग आते ही आते हैं। तो गाइस आप भी आओ एक बार। और तो ये ब्लॉग था, इसमें टॉप के जो टूरिस्ट प्लेस था उसमें से एक ये भी आता है और ये जाना जाता है त्रिवेणी घाट के नाम से और ये ऋषिकेश में ही पड़ता है। और आप जब भी आओगे तो यहाँ पे जरूर आना क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी पर्पस से आते हैं, यहाँ पे शाम को यहाँ पे गंगा आरती भी होती है और यहाँ पे लोग बैठने के लिए या स्नान करने के लिए। तो आजकल तो वैसे गंगा बहुत तेज है। तो गाइज अब चलते हैं हम घर की तरफ क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका है और आरती में हम दूसरे दिन जाएंगे और भूख भी लग चुकी है और साथ वाला भी जाने वाला है और मैं भी चलता हूँ और मिलता हूँ मैं आपको फिर दूसरे ब्लॉक में। और बने रहें ब्लॉक के अंत तक। टेक केयर, बाय।